अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सम टाइम होता ये है कि नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, कुछ ही देर बाद नेटवर्क दोबारा बहाल तो हो जाता है, मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके जो सर्विसेज हैं वो बहाल नहीं होते। वो परेशान हो जाते हैं कि आया पता नहीं हमारा मोबाइल ब्लॉक हो गया या हमारी सिम ब्लॉक हो गई। इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो मोबाइल शॉप पर जाकर उनकी कंप्लेंट करते हैं, आप लोगों से मोबाइल ख़रीदा तो आप ये काम नहीं कर रहा। एक वो लोग होते हैं या तो दुकान या फ्रेंचाइजों में जाकर अपने जो सिम है वो रिप्लेस करते हैं कि भाई हमारा सिम नहीं चलता, और वो लोग भेजा कि उनको जो है वो सिम रिप्लेस कर देते कि भाई ये तो वाकई ये मसला रहा है। बहरहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मोबाइल के ऊपर एमरजेंसी कॉल लिखा आ रहा है तो आप लोग एक आसान काम करना होगा। अगर आपके पास बटन वाला मोबाइल है तो आपने मोबाइल सेटिंग में जाना है, वहाँ मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाना है। जब आप नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे वहाँ पे मैनुअल और ऑटो लिखा होगा, तो आपको मैनुअल में क्लिक करना है और फिर वो जो वेट 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 लिखा आता रहेगा उसके बाद आपको सामने नेटवर्क जो है वो सामने आ जाएंगे। उनमें से आप जिस कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हो आपने उस कंपनी को सेलेक्ट करना है, आपकी सिम जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगी। तो ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है तभी ये मसला हो। कभी कभार वैसे भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता है, भाई रात को मोबाइल सही था और सुबह उठे तो उसके ऊपर एमरजेंसी कॉल आ रहा है। तो इस सूरत में आप लोगों ने बिल्कुल भी ना तो दफ्तर ना ही दुकानदारों के पास जाना है, क्योंकि वहाँ जाकर या तो उन्होंने आपका मोबाइल में कोई छोटा मोटा काम निकाल देना है और ना ही आपका जो सिम जो है वो डुप्लिकेट निकाल देंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ ये छोटा सा काम करना है और उसी टाइम जो है आप अपना मसला हल कर सकते हैं। मेरे पास पूरे दिन में इतनी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है, इतनी आ रही है, यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना मसला नहीं है, एक मिनट का काम है, तो आप खुद कोशिश करें, इसको आप खुद भी हल कर सकते हैं।